दुनिया की सबसे बड़ी दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दुनिया की सबसे बड़ी दीवार जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी कहते हैं, यह अपनी लंबाई की वजह से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि यह विशाल दीवार मिट्टी और पत्थरों से बनी है, जिसे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक चीन के विभिन्न शासकों ने बनवाया। इसे बनवाने के पीछे का मकसद हमलावरों से अपनी रक्षा करना था। चीन की दीवार अंतरिक्ष से दिखाई देने वाली एकमात्र मानव निर्मित संरचना है। हाल के सर्वेक्षण के अनुसार यह दीवार 21,196.18 किलोमीटर लंबी है। 8वीं शताब्दी में कुई यान और जाहो राज्यों ने तीर और तलवारों के हमलों से बचने के लिए मिट्टी और कंकड़ को सांचे में दबाकर बनाई गई ईंटों से दीवार का निर्माण किया गया। ईसा से 221 वर्ष पूर्व चीन खिन साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। इस साम्राज्य ने सभी छोटे राज्यों को एक करके एक अखंड चीन की रचना की। इसके बाद खिन साम्राज्य के शासकों ने सारी दीवारों को मिलाकर एक कर दिया, जो चीन की उत्तरी सीमा बनी। 5वीं शताब्दी से बहुत बाद तक ढेरों दीवारें बनी, जिन्हें मिलाकर चीन की दीवार कहा गया। कहा जाता है कि इस दीवार के निर्माण परियोजना में लगभग 20 से 30 लाख लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। इस दीवार को यूनेस्को ने वर्ष 1980 में विश्व धरोहर घोषित किया। चीन की दीवार को 1970 में आम पर्यटकों के लिए खोला गया था। माना जाता है कि दीवार को बनाते समय इसके पत्थरों को जोड़ने के लिए चावल के आटे का इस्तेमाल किया गया था। इस दीवार की चौड़ाई इतनी है कि एक साथ 5 घुड़सवार या 10 पैदल सैनिक एक साथ गश्त कर सकते हैं। दीवार की ऊंचाई किसी जगह यह 9 फीट तो कहीं पर 35 फीट है। इस दीवार से दूर से आते शत्रुओं पर नजर रखने के लिए कई जगह मीनारें भी बनी हुई हैं। बताया जाता है कि चंगेज खान ने वर्ष 1211 में इस दीवार को तोड़कर चीन पर हमला किया था। इसी कारण इस दीवार को दुनिया को सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। चीनी भाषा में इस दीवार को वानली छांग छंग कहा जाता है, जिसका मतलब होता है चीन की विशाल दीवार। बराक ओबामा, रिचर्ड निक्सन सहित दुनिया भर के करीब 400 नेता इस दीवार को देख चुके हैं।